हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर हाइड्रेंट के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि फायर हाइड्रेंट यानी कि होता क्या है, फायर हाइड्रेंट के टाइप्स क्या है, फायर हाइड्रेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और फायर हाइड्रेंट का कलर कोडिंग क्या होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर हाइड्रेंट यानी कि होता क्या है उसके बारे में। तो फायर हाइड्रेंट जो है ये एक विजिबल कनेक्शन पॉइंट होता है जिसको एक डिफाइंड लोकेशंस में प्लेस किया जाता है फायर फाइटर्स के लिए, ताकि वहां से जो है वाटर सप्लाई जो है वो ले सके। फायर हाइड्रेंट जो है वो सभी बिल्डिंग्स हो, पार्किंग एरियाज हो, रोड साइड्स हो, माइंस हो या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज हो, तो वहाँ पर फायर हाइड्रेंट जो है वो होना काफ़ी ज़रूरी होता है। और फायर हाइड्रेंट के साथ में वाटर सर्विस नेटवर्क का भी कनेक्शन होना चाहिए। फायर हाइड्रेंट को इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि फायर फाइटर्स के लिए वहाँ पर रिक्वायर्ड जो वाटर है वो प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि फायर फाइटर्स जो है उनको फायर के साथ में फाइट करना होता है। तो इंस्टेंटली अगर उनको वाटर अगर सप्लाई मिल जाता है तो वो आग को अच्छे से बुझा सकते हैं। बेसिकली फायर हाइड्रेंट में एक पाइप होता है जिसके साथ में कंट्रोल ऑफ वॉल होते हैं, जिसके थ्रू जो है वाटर जो है वो फ्लो करता है वाटर का जो मेन है वहां से, ताकि आग को जो है वो बुझाया जा सके। चलिए अब जानते हैं फायर हाइड्रेंट के टाइप्स के बारे में। तो फायर हाइड्रेंट के मेनली दो टाइप्स आते हैं, उसमें सबसे पहला है वेट हाइड्रेंट और दूसरा आता है ड्राई हाइड्रेंट। तो सबसे पहले जानते हैं वेट हाइड्रेंट के बारे में। तो वेट हाइड्रेंट का जो इस्तेमाल है वो ज्यादातर ऐसे प्लेसेस में किया जाता है जहां पर वाटर जो है वो फ्रीजिंग ना हो, यानी कि वाटर को फ्रीज होना ऐसी प्रॉब्लम जहां पर क्रिएट ना हो, वैसे प्लेसेस में जो है वेट हाइड्रेंट का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे टाइप के फायर हाइड्रेंट सिस्टम में जो है हाइड्रेंट का जो मेन सप्लाई का जो वाटर है वो सरफेस से काफी क्लोज होता है। चलिए अब जानते हैं ड्राई हाइड्रेंट के बारे में। तो ड्राई हाइड्रेंट सिस्टम में वाटर को स्टोर किया जाता है ग्राउंड के नीचे में, क्योंकि खास तौर से जो भी कोल्ड रीजन है वहां पर अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू कोल्ड एनवायरनमेंट टेम्परेचर से। तो इसलिए वहां पर वाटर का फ्रीजिंग होने की जो पॉसिबिलिटी है वो वहां पर नहीं होती है, उसको वहां पर प्रिवेंट किया जाता है इस अरेंजमेंट से। जब ड्राई हाइड्रेंट सिस्टम की रिक्वायर होती है उसका इस्तेमाल करने के लिए, तब फायर फाइटर्स जो है वो हाइड्रेंट के ऊपर का टॉप का जो वॉल है उसको ओपन करते हैं और वहां पर होस को जो है वो इंगेज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रेंट के अंदर का जो ड्रेन वॉल है वो वहां पर ओपन हो जाता है। इसकी वजह से ये अलाउ करता है उस वाटर को बाहर निकलने में, जिसका इस्तेमाल फिर फायर फाइटर जो है वो आग के अगेंस्ट में करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि वेट हाइड्रेंट और ड्राई हाइड्रेंट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में। तो वेट हाइड्रेंट का जो इस्तेमाल है वह ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर वाटर जो है वो फ्रीजिंग ना हो, यानी कि वाटर फ्रीजिंग का जो इश्यूज है वो वहां पर ना हो, तो ऐसे प्लेसेस में जो है वेट हाइड्रेंट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ड्राई हाइड्रेंट का जो इस्तेमाल है वो कोल्ड रीजन में किया जाता है जहां पर टेम्परेचर जो है वो वाटर फ्रीजिंग जो टेम्परेचर है उसके रूटीन में वहां पर उसके नीचे में ड्रॉप होता है। वेट हाइड्रेंट का जो डिजाइन है उसमें क्या होता है कि वाटर जो है वो ग्राउंड के अबव में वहां पर प्लेस किया जाता है, लेकिन ड्राई हाइड्रेंट में क्या होता है कि इसको डिजाइन किया जाता है ग्राउंड के नीचे में, क्योंकि वहां पर वाटर जो है वो फ्रीजिंग ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए। वेट हाइड्रेंट जो है वो काफी इजियर है कंस्ट्रक्ट करने के लिए और वो काफी चीप भी है, लेकिन ड्राई हाइड्रेंट जो है वो काफी कॉस्टली है और डिफिकल्ट होता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। वेट हाइड्रेंट का जो मेंटेनेंस है वो काफी इजियर होता है क्योंकि वहां पर इजी एक्सेस मिल जाता है। लेकिन अगर हम वेट हाइड्रेंट को कंपैरिजन अगर करते हैं ड्राई हाइड्रेंट से, तो ड्राई हाइड्रेंट का जो मेंटेनेंस है वो कंपैरेटिवली काफी डिफिकल्ट होता है। तो इस प्रकार ये दोनों में ये मेन डिफरेंस होता है। चलिए अब जानते हैं फायर हाइड्रेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसके कंपोनेंट्स में आते हैं फायर पंप्स, एसेसरीज, पाइपिंग, पैनल्स, लैंडिंग वॉल्स, होजेस, कपलिंग्स, होज रील, ब्रांच पाइप्स एंड नोजल्स, फायर ब्रिगेड कनेक्शंस, वायरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस और मेंटेनेंस वॉल्स एक्सेट्रा। तो ये जो सारे हैं ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। चलिए अब जानते हैं फायर हाइड्रेंट्स की कलर कोडिंग के बारे में। तो अगर आप NAPS स्टैंडर्ड को अगर फॉलो करते हैं तो उसके मुताबिक सारे जो फायर हाइड्रेंट्स है वो कलर कोडेड है, और ये जो कलर से ये इंडिकेट करता है कि फायर हाइड्रेंट के ऑपरेशंस के वक्त जो है वाटर का जो फ्लो है वो कितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए। खास तौर से फायर हाइड्रेंट के टॉप के ऊपर कैप्स होती है जिसको पेंटेड किया जाता है,
चलिए अब हम एक टेबल देखते हैं जिसके जरिए आपको अच्छे से समझ में आएगा फायर हाइड्रेंट कलर कोडिंग के बारे में। तो इसमें हम कलर कोडिंग जानेंगे, उसका कितना फ्लो होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो जानेंगे, और उस फ्लो का क्या मीनिंग होता है वो भी जानेंगे। तो कलर कोडिंग में सबसे पहला आता है लाइट ब्लू या फिर ब्लू। अगर इस कलर को फायर हाइड्रेंट के जो टॉप की जो कैप है उसके ऊपर अगर पेंटेड किया गया है, इसका मतलब ये है ग्रेटर देन 1500 GPM, मतलब 1500 जो गैलन्स पर मिनट है उतना वहां पर वाटर का फ्लो जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि इसका जो फ्लो है वो काफी अच्छा है। फिर उसके बाद का कलर कोडिंग है ग्रीन, तो इसका मतलब ये है कि 1000 से 1500 GPM, इसका मतलब ये है कि ये रेसिडेंशियल पर्पोजेस के लिए अच्छा है। फिर उसके बाद है ऑरेंज कलर, इसका मतलब ये है कि वाटर का जो एक्सपेक्टेड फ्लो है वो 500 से 999 GPM है, मतलब ये मार्जिनली एडिक्वेट है, यानी कि एक एवरेज है। फिर उसके बाद है रेड कलर, इसका मतलब ये है कि वाटर का जो फ्लो एक्सपेक्टेड है वो लेस देन 500 GPM है, मतलब इसका जो फ्लो है वो काफी लो है और वो इनएडिक्वेट है। तो इस प्रकार आपको अकॉर्डिंग टू NAPS स्टैंडर्ड के अनुसार फायर हाइड्रेंट के कलर कोडिंग के बारे में पता चल गया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा फायर हाइड्रेंट के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में और उसके कलर कोडिंग के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।